दोस्तों, आज हम थ्रोन ऑफ सील एपिसोड के आगे की प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हाउचेन और उस ग्रीन हेयर वाला लड़का को देखते हैं, जो कि ऑप्शन हॉल में बैठे होते हैं, और यही इस लड़का हाउचेन का हाथ को पकड़ा होता है और उससे कह रहा होता है, हाउचेन तुम एक अच्छे ब्रदर हो। और फिर वो हाउचेन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम उस डेमन को मार दिया, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, जो कि उसे मारना बहुत ही मुश्किल था। यह सुनकर हाउचेन उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है और इतनी तारीफ सुनकर शर्माने लगता है। और फिर हाउचेन उस लड़के से एलेक्स मांगता है, जो कि उस ग्रीन हेयर वाला लड़के का पास होता है, जिस पर वो लड़का एलेक्स को उसे देता है और कहता है, वैसे भी यह मेरा किसी काम का नहीं है, तो तुम ही इसे रख लो। इस पर हाउचेन उस एलेक्स को लेता है और उसे चेक करने लगता है। और फिर हम ऑप्शन वाली हॉल को देखते हैं, जो कि इस ऑप्शन को स्टार्ट कर देती है। और ऑप्शन सबसे पहले ग्रीन पिल से शुरू करते हैं और कहती है, इसकी शुरुआत की प्राइस 10,000 गोल्ड कॉइन्स से शुरू होती है, जो सुनकर पहले उस ग्रीन हेयर वाला लड़का बोनी लगाता है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा होती है, जो सुनकर हाउचेन हैरान होता है और सोचता है, इस लड़के ने इतनी छोटी पिल पर इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है, शायद इस पिल में कुछ एनर्जी होगा, इसलिए उन्होंने इतना पैसा लगा रहा है। इसके बाद ऑप्शन वाली हाल में एक और स्टोन लेकर आती है, जिस पर कई सारे लोग बोनी लगाते हैं, पर आखिर में हाउचेन उसको खरीद लेता है। और फिर हाउचेन का वो सोल बीस्ट स्टोन की तरफ जाता है, जिसे देखकर ग्रीन हेयर वाला लड़का अपनी मैजिकल आई से उसके पावर को चेक करने लगता है। और फिर वो सोल बीस्ट उस स्टोन को का लेता है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होता है और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। और इसे देखकर उस लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ना पहले हाउचेन का पावर के बारे में पता लगा पाया था और ना ही उस सोल बीस्ट की पावर का पता लगा पा रहा है। इसके अगले सीन में हमें मिस्टीरियस लड़के को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें वीडियो में नहीं बताया है। और इसके अगले सीन में हम ली सीन, हाउचेन और मास्टर को एक जगह पर बैठे हुए दिखते हैं, जहां पर लिसीन इस टेंपल को देखकर ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर अगले सीन में हम देखे हैं, यह लोग जा रहे होते हैं और तभी वहां पर उस शरारत लड़का आ जाता है और उन सभी को जाते हुए देख लेता है, और वह जानबूझकर हाउचेन से टकराता है ताकि हाउचेन उसे फाइट कर सके, पर हाउचेन उसे कुछ भी नहीं कहता वहां से जाने लगता है। पर तभी मिस लिसीन उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउचेन को परेशान करने की। तभी वहां पर उस लड़के का फादर आ जाते हैं और लिसीन से कहते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। और फिर अगले सीन में हम लिसीन और हाउचेन को देखते हैं, जो कि उस ऑप्शन हाउस से बाहर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। उसके बाद हाउचेन उस एलेक्स को मास्टर को दे देता है, जिसे मास्टर चेक करने लगते हैं। और वही लिसीन उस ऑप्शन हॉल के बारे में सोच रही होती है, किस तरह से इसकी और उस लड़के की फाइट हो गई थी और हाउचेन ने उन दोनों को शांत कराया था। उन दोनों का बेहस इसलिए हुए थी क्योंकि लिसीन हाउचेन के बारे में ज्यादा ही सिंपती हो गई थी और वो उस लड़के से कहा था, हाउचेन को इतनी क्यों चिपक रहे हो, जरूर इसे कोई ना कोई काम निकलवाना होगा, इसलिए तुम इतनी समय से उनकी तारीफ कर रहे हो। अब इसकी बहस बढ़ जाती है, जिसे हाउचेन में उन दोनों को शांत करवा देता है। इसी के साथ हमारे ट्रेलर यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।